हेलो थैंक यू हेलो दोस्त। हम हेलो लोग आज फ्लाइकिंग का उद्घाटन कर रहे हैं एंड फ्लाइकिंग का सब लोग मेंबर है फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट का, एंड सब लोग आज एक फुल जोश के साथ फ्लाइकिंग एकेडमी को, एंड हमारा मुद्दा जो है सब जितने बाहर से लोग आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, उनको हम लोग अच्छा से कैसे सिखाएंगे एंड अच्छी तरह से उनको सिखा के इंडस्ट्री में भेजेंगे। इसके लिए इसके शुभारम्भ हो रहा है एंड मेरे जो गुरु मेरे जो जो रास्ता दिखाने वाले हैं, मैं उनके हाथ में मेरा फ्लाइकिंग एकेडमी को उद्घाटन करना चाहता हूँ। जैसे नमस्ते एंड प्लीज वेलकम एंड फ्लाइकिंग एकेडमी आप ना फिलहाल तू अंदर है बाकी बाहर काटने का टाइम सब ताली बजा ताली मारने Three cheers of hip hop! Hooray! Hip hop! Hooray! Hip hop! Hooray! Fly King Academy hip hop! Hooray! Thank you, thank you, thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.
नाम सुन के इधर, बट फर्स्ट टाइम यहाँ मिलने के बाद उन्होंने एक ही बात करते, बेटा तू जरूर अच्छा काम कर सकता है बट हिम्मत रख, तेरे को हिंदी में सच सबके सामने बोलता, मेरे को हिंदी नहीं आता था और थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश बोल के मेरे को जब नैरेट किया वो मेरे को हंसने लगे, बोले तेरे को बहुत डिफिकल्ट कर मतलब मेहनत करना पड़ेगा एंड तू मेहनत कर, अगर तेरे अंदर हौसला है तू एक दिन ना एक दिन सक्सेस होगा। उस दिन के बाद मैंने प्रॉमिस किया कर लिया था मैं एक साल दूंगा उसके बाद लोगों के पास जाऊंगा, बट उसके बाद मैं कैसे क्या एक एक सीढ़ी हम लोग इंस्टीट्यूट ऐसा खोले कि जिसके अंदर जिसकी बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान में कि पढ़े लिखे कंप्यूटर का ज्ञान जानने वाले और एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हों, उस तरह के प्रोडक्शन वाले हम लोग करें। खाली मैं एक चीज़ बताऊंगी, इसमें जितने भी मैं 20 साल से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ सारे इसमें जीमा में गया मैं विशलिंग कोड और उसके बाद डिजिटल अकेडमी सब इंस्टीट्यूट में फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, बेसिकली सब फिल्म स्कूल्स का यही है कि फिल्म स्कूल चलाते हैं वो लोग जिनका फिल्मों से कोई लेना देना है ही नहीं, वो बिजनेसमैन है। यहाँ कम से कम एक आदमी है जो कम से कम महीने में मेरे ख्याल से 25-30 एड फिल्में बनाते हैं, उनकी लाइन प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पहली बार ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुल रहा है जिस विच इज बींग रन बाई विच विल बी मैनेज बाई पीपल हु आर इन प्रोडक्शन लाइन who are doing very well as production, who are successful production people. इसको creative या direction department होता है, production भी एक creative department है। इन्होंने बहुत सही कहा कि और दिलीप जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मतलब जब उनकी मूछें नहीं आई थी तब से जानता हूँ, आज भी मूछ नहीं आई। दिल से बधाई दूंगा दिलीप साहू और उनकी पूरी टीम को कि वो उभरते हुए सही रास्ता दिखाएं, उनको प्रोडक्शन के बारे में सही जानकारी दें, थियरी करेक्ट समझाएं, प्रैक्टिकलिटी तो ऑब्वियसली आई मीन वो अपने जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर भेजेंगे और अच्छी जानकारी देंगे, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा ताकि हमको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इंजीनियर की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और इतने शुभ दिवस पर इस चीज़ की शुरुआत हो रही है, हम सब ने इनॉग्रेशन किया है, दिलीप जी को बहुत बधाई और दिलीप जी की सारी टीम को बधाई, भाभी जी को बधाई। दिलीप जी जो है वो बहुत यंग है जैसे विजय साहब ने कहा है, और यंग लोग जो कर सकते हैं वो तो आपको पता ही है, हमारे देश का भविष्य जो है यंग लोगों के हाथ में। मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव मुझे होप नज़र आ रहे हैं प्रोडक्शन में। सचमुच आजकल बहुत प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई होगी, मेरी भी तीसरी फिल्म बन रही है वीक बॉस, एक वीक पहनने वाली कहानी है, और वो वीक क्यों पहन पाता है इसके बाल चले जाते हैं क्यों, क्योंकि वो फिल्म बनाते वक्त उसको इतने टेंशन हो जाती है। तो आप आशीर्वाद रखिए और फ्लाइकिंग नाम भी बहुत अच्छा है, फ्लाइकिंग किंग तो है ऊपर से उड़ने वाले, तो बहुत पॉजिटिव वेव्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि फ्लाई चलने वाला आदमी धीरे धीरे पहुंचता है, दौड़ने वाला थोड़ा और जल्दी पहुंचता है, लेकिन फ्लाई किंग तो भैया फ्लाई ओवर से किंग वो विद इन सेकेंड पहुंचेगा। तो मुझे लगता है जिस जिस प्रोडक्शन में फ्लाई किंग होगा उसका काम जो है औरों से जल्दी हो जाएगा, किसी को किसी बंदे को अगर एक घंटा लगने वाला हो तो फ्लाई किंग वाले एक सेकेंड में कर देंगे। सो भक्तजनों फ्लाइकिंग की भावनाओं को समझो, लव यू ऑल, थैंक यू मच। Tremendously well and now today action में अक्सर proper knowledge नहीं होने के वजह से जो हमारे financiers होते हैं जो producers होते हैं हमेशा उनको यही tension लगा रहता है कि हमारे फिल्म का budget ना बढ़ जाए, budget बढ़ रहा है, हर फिल्म का यही एक concern होता है, like that is what I have seen from the very moment I stepped into this film industry के office में दिन भर यही बात चलता रहता है। तो obviously तो अगर ऐसा कोई institute होगा जो production को ढंग से सिखाए तो ऑब्वियसली ये टेंशन बहुत कम हो जाएगा और बेहतरीन फिल्में बनेंगी और कंट्रोल्ड बजट में बनेंगी। एंड आई थिंक आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट एंड द लॉन्च ऑफ फ्लाइकिंग एकेडमी के इसके ज़रिए हमें ऑब्वियसली हमारी फिल्म इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी और विल कम अप विद बेटर प्रोडक्शंस। थैंक यू सो मच। मैसेज किए कि ये दिग्गज हस्ती सब आ रहे हैं,
एंड रियली मैं बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू सो मच मिस्टर नसीम, मेरा दोस्त, मेरा यार. एंड रियली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुनील जी के साथ 6-7 साल के पहले मैं पिक्चर से भी चल रहा था, मैं 2 बार सेट पे आया था एंड आज मेरे इवेंट में आ रहे हैं. मैं इतना खुश हूँ, थैंक यू सो मच सुनील सर. एंड दोनों इतने भी बड़े बड़े हस्ती हैं जो आर्टिस्ट हैं. एंड रियली मेरे को बहुत मतलब मैंने जितना सोचा था उससे बहुत मतलब रिजल्ट मिला. मैडम भी, मिस्टर मैडम आए, वो मैडम भी आए, तो मेरे फ्लाइकिंग अकेडमी के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है. एंड जो तो टेक्नीशियन तो सपोर्ट है एंड जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए इसी इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है. एक दिन स्टार न्यूज का एक मैं जो आज लाइव प्रोड्यूसर नहीं था, मेरा कंपनी नहीं था, तो वहाँ से मेरे को बुलावा आया था. एंड वहाँ से इमिडिएटली जब भी मेरे को वहाँ पे चैनल ने बुलाया, क्योंकि चैनल से पैसा आता है, बोले तेरे को कल 25 लाख देना है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो किस दाम में देना है. मेरे को पता नहीं, मेरे अकाउंट भी नहीं था एंड मैं एक दिन झूठ बोल रहा था. एंड उस दिन मेरे मन से क्यों निकल गया था पता नहीं, फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट बोल दिया. बोले क्या कंपनी का नाम है ना, फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट, 25 लाख आएगा ना, मेरा छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ तो कंपनी बोल रहे हो, बाद में सीए देखा जाएगा. ज़्यादा यूनिक पॉइंट है हमारे देश की जो सबसे बड़ी यू नो कमज़ोर पॉइंट है वुड से, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. तो एक तरह से जो फ्लाइकिंग के जरिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, उसके लिए आई थिंक इट्स आई एम वेरी प्राउड टू सिट हियर टुडे, बिकॉज ऑब्वियसली एक तरह से क्योंकि मेरी अभी फिल्म आई है मणिकर्णी का जो देश की सेवा के बारे में है, तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी देश के लिए एक सेवा जैसा ही होता है. जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको बहुत ही मदद मिलेगी मेरे ख्याल से. सो इट्स अ वेरी वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी और हमेशा से ऐसे ही होने चाहिए यू नो इंस्टीट्यूट जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो. सर मेरा सवाल आपसे, मिस्टर उदय शंकर पानी है, वो अभी पूरा हम लोग अच्छा से सिलेबस पढ़ा दिए हैं. एंड मिस्टर रवि अग्रवाल जो इतना आप उनके बारे में शायद अभी थोड़े कम लोगों को इनको पता है, अभी उनका एक फिल्म आ रहा है रॉ के डायरेक्टर है जो जॉन इब्राहिम, कल उनका म्यूजिक लॉन्च भी हुआ. तो मैं एडवर्टाइज में जब भी आया मेरे आँख मतलब मेरे जो आँख को खोलने का जो हाथ है, तो उनके वजह से मैं आज एडवर्टाइज वर्ल्ड को देख पाया. तो आज जो 700-800 एडवर्टाइज किया मिस्टर रवि अग्रवाल, तो उनकी वजह से मतलब मैं आज ये पोजीशन में हूँ. एंड उन्होंने मेरे को एवरी जगह में उनको सपोर्ट किए, मतलब जो भी आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किए, तो वो है. एंड दूसरा, इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े DOP होते हैं एंड मिस्टर पुलिस सिरा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, आप भी जानते हैं, जो आउट आई प्राउड भी इंडियन किसान, उन्होंने उनके भी डायरेक्टर हैं, वो भी बहुत सारे मतलब वो भी आए गए. एंड प्लस जो मेन बेसिक मेन फैकल्टी जो है 5 लोग हैं एंड कम से कम 50 ऐसे दिग्गज हैं जो एडवर्टाइज एंड फिल्म इंडस्ट्री के DOP हो, अपना आर्ट डायरेक्टर हो, प्रोडक्शन डिजाइनर हो, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हो, सब लोग आएंगे. तो जब भी जिसको बुलाऊंगा तो सब आएंगे एंड हर महीने में ये उनको बुलाते रहेंगे. एंड अच्छा अच्छा जब भी स्टार टेक्नीशियन के साथ काम करेंगे तो लोगों को और हौसला बढ़ेगा. एंड मिस्टर विजय सर भी इधर है, उन्होंने भी पूरा सारे सपोर्ट मेरे को बोले कर, मैं कभी भी मेरे को बुलाया नहीं आऊँगा. एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो है बॉलीवुड में फ्यू फिल्म्स यू हैव डन, सो क्या कहना चाहेंगे, प्रोडक्शन की जो मुश्किलें आती है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का इंस्टीट्यूट का होना. पूरा फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक आई थिंक प्रोडक्शन के कंधों पे ही होता है उसका, जो भी बजटिंग है, किसको कितना पे करना है, किस चीज़ में कितना, एवरी लिटिल थिंग, यहाँ तक कि कौन कितनी रोटी खाएंगे, एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन, इट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्रोडक्शन पीपल. तो उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नोबल कंसेप्ट कि ऐसी एक अकेडमी स्टार्ट हुई है जो प्रोडक्शन बाकायदा सिखाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग प्रोडक्शन करने आते हैं लेकिन बहुत लोगों को काफ़ी टाइम वो सीखने में चला जाता है. जब हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो उस चीज़ का तो क्या होता है, फिल्म का बजट बढ़ता है, फिल्म का बजट बढ़ता है तो हमको क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें एकदम से सेटल हो जाएगी, ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी अगर प्रोडक्शन का प्रॉपर नॉलेज हम इम्पार्ट करना स्टार्ट करें थ्रू such academy as flying.
ओके, आपको क्या लगता है एज अ एक्टर आप क्या सोचती है किस तरह की मुश्किलें आती है प्रोडक्शन की अगर बात करें तो? मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है बहुत ही क्लोजली देखा हुआ है. जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था मेरी पहली फिल्म जो थी सुभाष घाई जी के साथ कांची जो 2014 में आई थी, तो सुभाष जी वॉज ऑलवेज इस बात पर स्ट्रेस करते थे कि मैं बैक ऑफ द सीन्स रह के देखूँ कि फिल्म कैसे बन रही है, यू नो, टू गेट द नॉलेज. उनका अपना इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड जिनका मैं स्टूडेंट नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, उनके पूरे प्रोडक्शन टीम को काम करते हुए देखा है. इट वॉज लाइक अ फैमिली. तो वहाँ से मुझे यू नो प्रोडक्शन के क्या क्या मुश्किलें आती है और कैसे चलता है वो मैंने सब कुछ देखा है. अदर देन दैट माई बेस्ट फ्रेंड, माई चाइल्ड हुड फ्रेंड जो कि ही इज अ प्रोड्यूसर राइट नाउ, आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम, एंड इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ. बट देन स्टार्टिंग में मैंने उनको देखा है, मतलब रात रात भर जागते हुए कहाँ से क्या अरेंज होगा, यू नो, एवरीबडी ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ प्रोडक्शन वालों के कंधों पर ही होता है. तो मैंने देखा है अपने बहुत ही क्लोज लोगों को, यू नो, प्रोडक्शन की डिफ़िकल्टीज़ के वजह से रात रात भर जाग के मतलब अपने बाल खींचते हुए कि क्या करें, कहाँ से अरेंज करें, इसका बजट ये ऊपर जा रहा है, उसका बजट ऊपर जा रहा है, फिल्म का बजट ऊपर जा रहा है, यहाँ से डायरेक्टर बोल रहे हैं, वहाँ से फिनांसर बोल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी अगर हमको एक प्रॉपर नॉलेज हो. और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, फिल्म का बजट बचेगा तो वही बजट हम फिल्म पे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन का बजट बनेगा तो हम बेटर फिल्म्स बना सकते हैं. मिस्टर, इसके अलावा जो मनी करने का रिलीज हुई है उसमें रानी लक्ष्मीबाई को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन काशी भाई को भी उतना ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, कितना प्राउड फील कर रही है? अच्छा, ऐसा है, मुझे पता नहीं कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, अभी अगर मिल रहा है तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच अ फिल्म जिसका सब्जेक्ट ही इतना नोबल है, यू नो, रानी लक्ष्मीबाई जो हर भारतीय नागरिक के दिल में बसी है. सो दैट्स व्हाई आई एम रियली प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ सच अ फिल्म. और नंबर्स में कितना बिलीव करती है? पहले दिन में 8 करोड़ का बिजनेस किया ऐसा कहा जा रहा है फिल्म ने, तो नंबर्स में कितना बिलीव करती है और क्या कहेंगे जो कलेक्शन है उसके बारे में फिल्म के? मैं नंबर्स में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आजकल का ट्रेंड ही वही है, वी ऑलवेज काउंट सक्सेस और हर चीज़ का वो यू नो बिजनेस कैसा कर रहा है फिल्म उसी पर डिपेंड करता है. तो मैं पर्सनली बिलीव करूँ या ना करूँ तो यही ये हमारा रिक्वायरमेंट है, तो वो तो करना ही पड़ेगा. इट्स वेरी गुड के फर्स्ट डे इतना कमाया है, हम चाहते हैं ये 500 करोड़ तक पहुँचे. ओके, लास्टली जिसने फिल्म नहीं देखी है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम श्योर हर कोई, जो भी हमारे देश के जनता, जो भी हमारे देश की जनता है, वो हर कोई अभी नहीं देखी होगी किसी कारणवश तो वो ज़रूर जाएंगे और मणिकर्णिका देखेंगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हम सबके लिए हीरो है. सो आई एम श्योर कि हर 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 भारतीय नागरिक इसको देखना चाहेगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट चाहेंगे. और प्रोडक्शन कितना ज़रूरी है, आप भी एक फिल्म के साथ काम कर रही है, कितना ज़रूरी होता है प्रोडक्शन का नॉलेज और उसका स्टडीज़ करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं फ्लाइकिंग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और जैसे कि कोई उड़िया आदमी ने किया तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं भी उड़ीसा से हूँ, और जब मैं सुनी कि दिलीप साहू जैसे कोई आदमी कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और फ्लाइकिंग को मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्शन कंट्रोलर या प्रोडक्शन का जो रोल होता है आज तक मतलब कोई पढ़ के नहीं आता है. जैसे कि सभी ने कहा कि कोई हीरो बनने आता है या डायरेक्टर बनने आता है या सिनेमेटोग्राफर बनने आता है, उसमें जब फेल हो जाते हैं देन लोग उसको सेकेंडरी ऑप्शन में चूज़ करते हैं, और उनका जो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है उसमें से वो एक्सपीरियंस ले लेके काम करते हैं. सो दैट जो प्रोड्यूसर होता है कम बजट में फिल्म करना चाहते हैं, आज भी देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें ऐसे डब्बे के जैसे पड़ी है जस्ट बिकॉज कि प्रोडक्शन वैल्यू जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा होता है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है, और प्रोड्यूसर अपना मतलब जो भी बचा को चाहे पैसा रखता है वो बर्बाद हो जाता है. तो मुझे लगता है ये जो स्टेप इन्होंने लिया है, जो प्रोडक्शन जो एक मतलब पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आगे बॉलीवुड में जो भी पिक्चरें बनेंगी कम बजट में, एक सीमित बजट में बनेगी, और लोग बहुत बड़े आकार में बना सकते हैं. आपकी जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अंतर्ध्वनि का फर्स्ट पोस्टर आ चुका है, और थोड़ी फिल्म के बारे में बताइए और कब रिलीज होने वाली है? सी, फिल्म की पोस्टर रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी. फिल्म 7 फरवरी को बर्लिन में वर्ल्ड प्रीमियर हो रही है. अभी एंटायर ईयर ये फेस्टिवल में जाएगा, और मुझे लगता है इंडिया में रिलीज़ होते होते एंड ऑफ दिस ईयर और कमिंग ईयर में होगी. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी तो फिलहाल बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप है, जब भी अनाउंसमेंट होगी डेफिनेटली आप लोगों को मैं बताऊँगी. थैंक यू सो मच. एक्टिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे लेकिन प्रोडक्शन सिखाने के लिए ये कुछ नया है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. जैसे कि आप जानते हैं आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस जो कि हमारा संविधान आज के दिन लागू हुआ था,
तो बस मैं इस एकेडमी को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और जो कि दिलीप जी है जिन्होंने एक सोच लेकर आए थे कि मुझे एक प्रोडक्शन हाउस ओपन करना है जहां पे मैं लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, तो आज उनका वो सपना साकार हुआ और उन देखने को मिला कि हम किस तरह से प्रोडक्शन हाउस में किस तरह से, देखो टीवी में तो आपको आर्टिस्ट दिखता है, अभिनेता दिखता है काम करते हुए, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है, कितने सारे क्रिएटिव टीम मेंबर्स होते हैं, लाइट कैमरा, कैमरामैन हो गए, तो उन सबके बारे में इस एकेडमी में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि एक जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। ओके, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि आप एक शूट भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या शूट है, और जैसे आपने बहुत सारा नॉलेज भी लिया वहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि प्रोडक्शन का कितना नॉलेज लिया वहाँ। जी, जैसे कि अभी मैंने अपनी फिल्म मैंने कश्मीर में शूट किया था, तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने उनसे ली, किस तरह से लाइट का क्या रोल होता है और कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा, और एक शॉट को लेने के लिए कितने एंगल से लिया जाता है, गोप्रो कैमरे की क्या वैल्यू होती है, तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपने ओपिनियन भी शेयर किए, सर आप इधर से लीजिए और यहाँ से अच्छा एंगल आएगा, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि कैमरे का क्या रोल होता है, लाइटिंग का क्या रोल होता है और जो कैमरे में जो लेंस लगे होते हैं उसका क्या रोल होता है। तो यस, ऑफ कोर्स इस एकेडमी में भी लोगों को वही सब जानकारी मिलेगी। तो जब मैं वो वर्क कर रही थी, तो जो मेरे डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि लोकेश आपका दिमाग बहुत चलता है, यू आर अ वेरी क्रिएटिव, तो आपको तो प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी तो एक अच्छी अभिनेता बनना है, उसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन हाउस में आने के लिए। बिग बॉस के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई आपकी, और बिग बॉस ने कितना चेंज किया आपको, और दीपिका कक्कर जो है बिग बॉस जीत चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, और बहुत सारा ट्रोलिंग भी हुआ उनको लेकर, कुछ कहेंगे आप? पहले तो मैं दीपिका कक्कर जी को बधाई देना चाहती हूँ, यस ऑफकोर्स वो डिज़र्व करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस में अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ही आप बिग बॉस के किंग बनेंगे, उसकी ट्रॉफी लेके जाएंगे। देखो वो जैसी थी वो वैसी ही रही, उन्होंने ओवर नहीं किया, ओवर एक्टिंग नहीं की, ओवर जैसे उनको कंफर्टेबल लगा टास्क उन्होंने करा, उनको जो ट्रोल किया जा रहा है वो लोगों के, हमारे आम देश की जनता के ओपिनियन हैं और फ्रीडम है सबको अपनी बात कहने का, बट मैं इसके लिए एग्री करती हूँ, वो डिज़र्व भी करती हैं, हमारे देश की जनता ने उनको चुना है तो वो बहुत डिज़र्व करती हैं। और रही बात बिग बॉस की, तो यस ऑफ कोर्स बिग बॉस से पहले मैं एक लोकेश शर्मा जो कि एक कॉलेज गर्ल थी जिसे सिर्फ फैमिली और कुछ फ्रेंड्स जानते थे, लेकिन बिग बॉस ने मुझे इतनी बड़ी पहचान दी, आज मुझे पूरा इंडिया जानता है। जो मैं सपने देखती थी, पहले मैं सबके इंटरव्यूज़ देखती थी, अब मेरे इंटरव्यूज़ देखे जाते हैं, तो ये बिग बॉस की वजह से ये मुझे मिला है, मुझे एक अलग पहचान मिली है और इसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसके अलावा आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बिग बॉस 12 में टीआरपी बहुत कम था, तो लोग कह रहे हैं कि आगे वाला सीजन नहीं आएगा, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन मिला है? देखिए ये तो टीआरपी तो कम है बिकॉज क्योंकि बिग बॉस में इस बार ज़्यादा धमाका देखने को नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे धमाके ऑलरेडी ही सारे सीजन में हो चुके हैं, स्वामी ओम जैसा करेक्टर इस बार नहीं आया था, तो धमाका ओब्वियसली थोड़ा कम पड़ जाता है, और जैसे कि डॉली बिंद्रा जी हो गए, इमाम जी हो गए, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया था अपने लेवल पर, और इस जब बिग बॉस का इतना सारा लेवल सब देख लेते हैं तो उन सबको ये भी पता रहता है कि बाहर आने के बाद एक लाइफ दूसरी भी स्टार्ट होती है, तो इमेज पे भी एक इफेक्ट पड़ता है, आप जैसे दिखोगे लोग आपको वैसे ही जज करने लग जाते हैं, तो बस इस वजह से लोगों ने कभी थोड़ी सी धूम मचाई, थोड़े से शांत हो गए कि हाँ ज़्यादा वैसा नहीं दिखना चाहिए, मेरी नेगेटिव इमेज ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए, जब वो नॉमिनेट हो जाते हैं तो उनको धमाका तो करना है सर्वाइव करने के लिए, तो ये तो उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन्होंने बहुत देखा था, तो इतना दम तो नहीं दिखा, क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। थैंक यू सो मच टू ऑल।
का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो क्या थॉट प्रोसेस था ये प्रोडक्शन बनाने के पीछे, थोड़ा सा उस बारे में बताइए और कितना मतलब एफर्ट लगा ये सब करने के लिए? देखिए, जब भी मैं 18 साल से पहले ही मैं प्रोडक्शन करते करते आ रहा हूँ, 18 साल पहले से मैं प्रोडक्शन करते करते आ रहा हूँ, मैं तब से देख के आ रहा हूँ जब भी प्रोडक्शन में मेनली कभी जब भी डायरेक्टर इंतज़ार करता है कैमरा के लिए, कैमरा कभी पहुँचता नहीं, कभी जनरेटर नहीं पहुँचता है, कभी है। तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि एक सीनियर दूसरे को गाली देता है, यार मैं तेरे को बोला था तुम बुलाए नहीं, अरे उसको तो टाइम दिया था तुम नहीं बुलाए। मैं 18 साल हो गया ये चीज़ देखते 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 आ रहा हूँ, एंड मैं खुद ये बारे में सोचा कि जब भी मैं इतने साल ये इंडस्ट्री में दे दिया है एंड मैं ढूंढते रहा कि सब चीज़ का कोर्स है तो क्यों प्रोडक्शन का कोर्स नहीं बनाया जाए। तो मैं खुद 6 महीना हो गया इसी के ऊपर रिसर्च किया एंड क्या प्रोडक्शन लोगों को क्या चाहिए, असिस्टेंट को क्या चाहिए, मैनेजर को क्या चाहिए, लाइन प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, तो उसके बारे में मैं फिर खुद लिखा। देखिए एक बात बताता हूँ, हर चीज़ का जब भी कोई कोर्स होती है तो क्यों प्रोडक्शन का कोर्स नहीं होता है? प्रोडक्शन का कोर्स मैक्सिमम इंडस्ट्री में क्या है, सब लोग करते करते एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को असिस्टेंट करते करते सीख जाते हैं, बट यहाँ जब भी बेस नॉलेज, एक बोलते ना किसी बंदे का अगर शुरुआत में एक बेसिक नॉलेज मिलता है कैमरा के बारे में, लाइट के बारे में, आर्ट के बारे में, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एंड ऑल टेक्नीशियन का मैंने सब पूछा है, बड़े बड़े दिग्गजों को पूछा है, मैं स्टार्ट करने से पहले सर मैं ऐसे चीज़ कर रहा हूँ शायद लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, फिर बाद में मैं सोचा जब भी 100 लोग को पूछा 80 लोग बोले नहीं फैंटास्टिक दिलीप तू करते जा एंड बहुत अच्छी चीज़ है ये, इंडिया में नहीं आप मैक्सिमम वर्ल्ड में 2-3 इंस्टीट्यूट है, खाली थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में सिखाया जाता है। प्रोडक्शन मीन्स बहुत चीज़ आता है, प्रोडक्शन मीन्स कैमरा आता है, लाइट में आता है, दुनिया भर के आता है, बट जो प्रोडक्शन मैनेजर का शुरुआत होता है उसके लिए तो मैंने सोचा है एंड उसके ऊपर सिलेबस लिखा है एंड बनाया। सर इतने सारे डिग्निटीज आए थे यहाँ पे बॉलीवुड से, तो उनके साथ जुड़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और बहुत सारे प्रोफेसर भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं अभी इंस्टीट्यूट के लिए, तो उनके साथ कैसा कोलैबोरेशन होने वाला है थोड़ा सा उस बारे में बताइए? मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि इतने बड़े 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 डायरेक्टर है, राइटर है एंड DOP है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, जो बड़े बड़े दिग्गज आए थे आपके सामने अब देखे, तो ओनली मैंने ये जो 18 साल का मेहनत है मैं उनके साथ काम करते करते मतलब उनको रिलेशन बनाया एंड उन्होंने मेरे काम भी देखे एंड उनको जानते, ये बंदा जो कर रहा है रियली बहुत ट्रू सिस्टम होगा एंड जो करने जा रहा है ये इंडस्ट्री का एक नयापन है एंड थोड़ा बदलाव लाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो उसी के वजह से उन्होंने जुड़े एंड मैं सबको थैंक यू बोलूँगा वो मेरे इवेंट में आए एंड मेरे को मेरा हौसला बढ़ाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कौन से स्टेट में होंगे? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग जब भी मेरे को यही क्वेश्चन पूछे थे कि दिलीप ये कहाँ होगा, तेरा ऑफिस कहाँ होगा, एक्चुअली मेरा ये शुरुआत है, पहले कोई ऑनलाइन नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑफिस होगा जो लोकेटेड है गोरेगांव है, सब लोग सोचते थे शायद बॉम्बे में होगा, ये बॉम्बे नहीं है, ये टोटल ऑल इंडिया से बंदे आएंगे एंड उनको अच्छा रहने का भी फैसिलिटी दिया जाएगा एंड सीखने का भी फैसिलिटी दिया जाएगा एंड जो ये 6 महीने का कोर्स है उसमें से थियोरिकल के साथ प्रैक्टिकल दिया जाएगा, जो बंदा यहाँ पे थियोरिकल सीखता है क्लासेस में, प्रैक्टिकल क्लासेस में सीखता है, बट उसको जाके ऑन लोकेशन में जाके पढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल, कोई बंदा कैमरे के बारे में पढ़ता है, जब भी कैमरा लेंस के बारे में पढ़ता है, लेकिन वर्ल्ड का कोई ऐसे एकेडमी नहीं है जो क्लास में थियोरिकल साथ पढ़ा के विद इन 1 मंथ में जाके ऑन सेट में उसको इंटर्नशिप कराएगा, उनको टीचिंग कराएगा। ये 6 महीने का कोर्स के अंदर एक बंदा 1 महीने के बाद आके जाके तुरंत 1 महीने के अंदर ऑन सेट में जाके काम करेगा। आप सोचिए कोई गरीब घर का लड़का, आप इंडिया में आप जानते होंगे बहुत सारे जो गांव के विलेजर आते हैं उनके मन में सपना रहता है कि मेरे को स्टार बनना है। देखिए फिल्म इंडस्ट्री मतलब स्टार, एक्टर एंड कैमरामैन एंड एडिटर, ये मैक्सिमम 3 चीज़ को ध्यान देता है, बट
मेरा ये आगाज है, इसके पीछे कम से कम 70-80 डिपार्टमेंट है एंड 70-80 डिपार्टमेंट को हम लोग मीन्स प्रोडक्शन हैंडल करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, सारे 70-80 डिपार्टमेंट का रिमोट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और एक एग्जांपल बताता हूँ, एक स्क्रिप्ट जब भी आता है, सपोज एक स्क्रिप्ट शूटिंग का 15 दिन के पहले एक स्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट को सोचिए डायरेक्टर के पास बाद जाता है, लेकिन पहले आता है प्रोड्यूसर के पास, इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक लाइन प्रोड्यूसर का आता है। आप सोचिए लाइन प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो कि 15 दिन में क्या शूट होगा एक लाइन प्रोड्यूसर को विजुअल लेता है, मेरा आर्ट क्या होगा, मेरा कॉस्ट्यूम क्या होगा, मेरा डायरेक्शन क्या होगा, मेरे लाइट रेफरेंसिंग क्या होगा एंड मेरा डायलॉग क्या, एवरीथिंग। तो सोचिए एक लाइन प्रोड्यूसर को, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को कितना स्ट्रांग बनना चाहिए। डायरेक्टर 15 दिन के शूट का टाइम में 10 दिन के पहले आता है, 2-3 मीटिंग करता है, उसके बाद वो एक विजुअल लेते हैं, बट एक लाइन प्रोड्यूसर, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर 15 दिन के पहले पूरा फिल्म का विजुअल लेता है। तो प्लीज़ मेरा यही है कि सब लोग यहाँ पे आए, जो प्रोडक्शन टीम में आते हैं, प्लीज़ ये एक एकेडमी है, एक सीखने का माध्यम है, अगर ये थोड़ी सीखते हैं ये चीज़ में, इन फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड फिल्म इंडस्ट्री में जो हम लोग आज तक सुनने में आया, यार प्रोडक्शन कुछ काम नहीं मिला तो प्रोडक्शन में घुसा दो, बट मेरा ये क्यों कोई काम नहीं किया प्रोडक्शन में घुसने का, मैं ये बोलता हूँ कि इंसान ऐसे दिमाग में हौसला बना के रखे कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर बनने जाऊँगा, मेरा प्रोडक्शन मैनेजर को लेके मैं कैरियर बनाऊँगा, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेके कैरियर बनाऊँगा। तो प्लीज़ जितने भी मेरा यंग जनरेशन है इंडिया का पूरा, जितने भाइयों बहन है, जितने भी आता है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्लाइकिंग फिल्म एकेडमी, जो कि कभी पैसा को नज़र नहीं रखता है, ओनली रखता है सिखाने के नज़र में, हम लोग अभी भी सीखते हैं एंड एक अच्छा सोल्यूशन आएगा, इंडस्ट्री में नया बदलाव आएगा। जैसे घर चलता है, पैसा तो जो है गार्डियन होते हैं वो कमा के लाते हैं या हस्बैंड जो है वो कमा के लाते हैं, बट जो घर संभालता है, जो घर संभालती है वो है घर की माँ जो होती है ना, ऐसे ही ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, वो घर की माँ जैसे होती है। तो ये अगर सही ढंग से हो, ये अगर सही ढंग से काम को कर पाए, तभी जाके घर अच्छा चलता है। इसी तरह ही फिल्म अगर अच्छा बनेगा तो पूरा जो काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालना पड़ता है, वो चाहे 1 से लेकर 100 तक का जितना काम होता है, वो चाहे आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कैमरा से, इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर लोकेशन से लेकर हर चीज़ को मैनेज करना जो होता है ना, जैसे ह्यूमन मैनेजमेंट जो चीज़ होता है, ऐसे ही सारा चीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हिल जाता है ना, आपका पूरा प्रोडक्शन हिल जाता है, पूरा फिल्म हिल जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक का जो शूटिंग जैसे पर डे का होता है, ऐसे ही लेके आपका पूरा फिल्म का शुरुआत से लेकर रिलीज तक पूरा चीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिपेंड करता है। सो जैसे मैंने बोला फैमिली की बात, जो लेडी होते हैं, जो माँ होते हैं, अगर वो अनपढ़ हो तो फैमिली चलाने में जैसे तकलीफ होता है, अगर वो पढ़ी लिखी माँ हो और सुविधा होता है। तो यही बात है कि आज जो ये जो इंस्टीट्यूट बना, तो अभी लोग सीखेंगे और प्रोडक्शन में आने से पहले, कोई भी काम शुरू होने से पहले उनको पता है कि पहले से क्या क्या करना है, उनको पता है, पूरा एजुकेटेड प्रोडक्शन लोग आएंगे कि ए से लेकर जेड तक जितना काम है पहले से तैयारी करके ये लोग आए हैं। तो क्या होगा ना, कोई तकलीफ नहीं होगा कोई फिल्म बनने से पहले, एकदम सारा चीज़ क्लीन रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट होता था, ये जो चीज़ है, ये जो स्टेप लिया है दिलीप जी ने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जहाँ पे सारे लोग जो भी आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए और अच्छे तरह से फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, इनको बार बार कंग्रेचुलेट करूँगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग निकले जो कि अच्छे से फिल्म आगे जाएगा। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि कम से कम 20 साल से मैं सिखा रहा हूँ, डायरेक्शन सिखाता था। फिर जब मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन की नॉलेज देना लोगों को, क्योंकि वो ही है बैकबोन एज अ डायरेक्टर आपके लिए, तो वो जब सिखाना शुरू किया तो देखा कि किसी को शौक ही नहीं है प्रोडक्शन सीखने का, क्योंकि उसकी कोई अवेयरनेस है नहीं। वो लोगों को लगता है कि यार ये मैनेजमेंट का काम है,
ये इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, इसमें क्या क्रिएटिविटी है, इसमें क्या ज़रूरी है। लेकिन धीरे 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 ये बताना कि भाई आज ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है जहाँ मैक्सिमम प्लेसमेंट मिलती हैं। आप एज ए डायरेक्टर या एज ए राइटर शायद आपको प्लेसमेंट में टाइम मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन क्योंकि ये एरिया खुला हुआ है, यहाँ ज़रूरत है कंप्यूटर की नॉलेज वाले पढ़े लिखे लोग इस लाइन के अंदर आना जिनको प्रोडक्शन के बारे में। एंड प्रोडक्शन का बिलीव मी इतना इंजॉयबल काम है ये, जो मैं तो एज ए डायरेक्टर रहा हूँ ना इतने साल, उसके बाद मैं प्रोडक्शन में आया तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन इज़ एज एन्जॉयबल एज सॉल्विंग अ क्रॉसवर्ड पजल। आई मीन आफ्टर यू डू इट यू फील सो नाइस। एंड बिलीव मी पहला प्रिंसिपल हमारा प्रोडक्शन का ये होता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दुनिया के अंदर जिसका सोल्यूशन ना हो। एंड उसी तरह से ये इंस्टीट्यूट जो इट इज़ ए अपहिल टास्क, लोगों को अवेयर करना और लोगों को बुलाना और उनको ट्रेन करना इज़ ए डिफिकल्ट टास्क, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, विल डू इट। या From my perspective as a cinematographer, this is a real groundbreaking task that DLEAP is doing. And I think it's a very, very important thing to educate people on every facet of the film industry. So you have a lot of production people who don't know what a director has to deal with, what a cinematographer, or even art department. So really training and educating production people, whether it be a production controller, a line producer, a production manager, or where you start just as a production assistant, to really understand the resources and the requirements that are needed to complete all of our tasks. And I think also what DLEAP can give to this education is really a foundation of honesty, and then a foundation of transparency, and then really showing each person real world experience. And that's something that a lot of people lack. You can quickly call yourself anything you want, a director, a producer, an actor, but to really understand in everything from the ground up what it takes. And as our director friend said, production can really be a creative task. It's not just about numbers. It can be something that's very enjoyable. And that's one thing that I think DLEAP has showed us all in his work, is that he enjoys his work. He looks at it as not a yes or a no, but really a creative problem solver. And that's something that I think every student could really take advantage of for the education. I hope it's okay if I talk in English, but first of all, you can. It's fantastic. It's a fantastic opportunity for a lot of young people who want to get into the industry to learn how to produce. It is such a basic knowledge. It's a basic requirement in this industry. Like, so the thing is, what Flyking is offering is production, right? Product, learning how to produce. And the thing is, no matter what your role is in the entire filmmaking process, whether you're a writer, whether you're a director, whether you're an actor, whether you're a producer, no matter who you are, it is extremely important to know what production means, what goes into production. So for example, I as a producer, when I deal with clients, if I don't understand production, I will never be able to make a proper budget sheet. And if I don't make a proper budget sheet, I will go into a loss. It's a basic understanding of how production works that even I as a producer need to know. When a writer or a director comes up with a concept, he needs to understand what the budget is and what is going to go into the production of his concept in order to make it fit within that budget. And he has to write a concept accordingly. So, us hisab se, what Dilip, and it's really surprising that even though it's such a basic requirement, nobody is teaching it. Nobody is teaching it the way it's going to be taught now. And I'm so glad that Dilipji has taken this initiative and, you know, he's spearheaded this whole campaign of Flyking Academy. I think it's fantastic. And I think that I personally, as a producer also, would like to go and attend some of his classes to, you know, to learn more. Because it is, no, I'm not even kidding. I'm serious. It's very important to understand production. And like someone over here said earlier, production is like a creative puzzle that you're solving. It's a lot of fun.
And I think that there's so many different aspects to it. There's like understanding technicals, understanding your camera, lights, etc. Understanding how to deal with people, how to deal with locations, how to deal with the government, how to manage celebrities, how to manage clients. Aside from all the hard technical knowledge, there's also a lot of soft skills training. So for example, a production manager should also know how to speak to talent or how to speak to a client or how to, say for example, arrange the layout of the shoot in such a way that the client sits on the other side and does not disturb the director. These are very small things, you know, but it's very important. And these are what make up the entire experience of a set. So I feel like a production manager is critical to the experience on set, the experience of a shoot, and how clients enjoy the shoot, how production houses deal with their shoots, and how directors and talent also enjoy their shoots. So I think this is a great initiative. Thank you so much for taking this up. Thank you, and sir. Taking this responsibility. Or Nibbana responsibility, of course. Yeah, I'm sure you will. Yeah. Yeah.